ये सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन है क्या? सिंप्लीफिकेशन मीन्स सिंप्लीफाई। कितने समय आते हैं, कितने समय में देखा है लिखा होता है सिंप्लीफाई, तो उसमें करना क्या है? एक्चुअली तो हमने चैप्टर थर्ड मेडिसन इंटरप्रेशन भी देखा, चैप्टर फोर में डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन देखा, वो हम समझाते हैं। मैं आपको बोलूं कि 353 प्लस 728 तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं वैसा बोलूँ 856 माइनस 412 ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बोलूँ 535 डिवाइडेड बाय 5 ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बोलूँ कि 835 मल्टीप्लाई बाय 86 ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। अब वैसा लिखा 353 प्लस 728 माइनस 412 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 9। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें तो प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें इसके पर देखना है। जब सारी साइंस साथ में है तो मुझे कैसे सोल्व करना है वो हमें इस चैप्टर में देखना है। आपको क्वेश्चन होगा इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन है। उसके लिए आपको एक रूल याद रखना है, वो है बोर्ड मार्क। क्या है मैम? बोर्ड मार्क क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले डिवाइड करना है, पहले प्लस करना है, पहले माइनस करना है, या पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें तो हम कोई भी नहीं कर सकते कि पहले मैंने माइनस कर दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। सब में ऐसा करोगे तो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। तो हमें उसके लिए एक रूल है कि बोर्ड मार्क। अब दूसरा मीनिंग है ब्रैकेट, वो भी हमें नहीं देखना है। एक्टिविटी वन के लिए वो हमें नहीं देखना है। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, अभी याद नहीं रखना है। ओ मीन्स है ऑफ, वो भी अभी हमें नहीं देखना है। ओके, हमें क्या याद रखना है? डी, डी मीन्स डिवीजन, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सेपरेशन। ओके, आपको क्या याद रखना है? बोर्ड मार्क, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, ये दोनों हम एक्टिविटी टू में देखेंगे, ब्रैकेट एंड ऑफ, वो भी याद नहीं रखना है आपको। तो आपको क्या याद रखना है अभी? डी मार्क, या पूरा याद रख लेना। लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे? डी से स्टार्ट करेंगे, मीन्स डी मार्क। डी मीन्स डिविजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम कोई भी सम में स्टार्ट कहां से करेंगे? पहले हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन की प्रोसेस खत्म हो जाए बाद में हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया उसके बाद हम करेंगे एडिशन, एडिशन के बाद लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। यही पैटर्न आपको फॉलो करनी है, सारे सम में हमें यही पैटर्न फॉलो करनी है। ओके, तो अभी ये सम है तो उसमें हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। यही मेथड से हमें जाने सारे सम है वो यही मेथड से हम करने वाले हैं। तो आपको कौन सा रूल याद रखना है? बोर्ड मार्क, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, बी एंड ओ है वो एक्टिविटी टू में देखने वाले। बचा डी मार्क, डी मीन्स डिविजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ओके, लिख लेते हैं। डी मार्क, एक्टिविटी वन में किसकी रिक्वायरमेंट है? ओनली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एक्शन, तो आपको ये ही फॉलो करना है, डी मास। क्वेश्चन नंबर वन इज सिंप्लीफाई यूजिंग डी मास रूल, डी मास का मीनिंग आपको पता है। क्वेश्चन नंबर वन ए 13 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4, ओके 13 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4, ओके इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखते डिवीजन, फर्स्ट क्या है डिवीजन, तो इसमें डिवीजन की साइन है, डिवीजन की साइन नहीं है, स्किप कर दो। मल्टीप्लीकेशन की साइन है, यस मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में है, 13 एंड 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 13 टू 26 माइनस एज इट इज 4 एज, ओके। अब एडिशन, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन डन, तो यहां पर हम लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद आता है एडिशन, तो इसमें एडिशन की साइन है कहीं पे भी, एडिशन की साइन ही नहीं है, स्किप कर दो। लास्ट बचा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन है यस, तो 26 माइनस 4 क्या होगा, 26 माइनस 4 22, कौन सी प्रोसेस हमने की, सब्ट्रैक्शन, ये है हमारा आंसर। इसने इसको हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने हमको आंसर क्या मिला, 22, ओके। फर्स्ट डिवीजन ही करना है, जो डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो एडिशन करना है, एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन करना है, ये ही पैटर्न फॉलो करनी है। फर्स्ट वी डू डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन नहीं था तो पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, बाद में एडिशन भी नहीं था तो बाद में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन और आंसर हमें मिल गया, ओके। और कुछ नहीं, ओके। नाउ सी 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9, ओके। यहाँ पे डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस, चारों साइंस में दी हुई है। स्टार्ट कहां से करने, फर्स्ट कौन से साइन सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट साइन हम डिवीजन से सॉल्व करने वाले हैं, तो डी माइनस फर्स्ट कौन सा आता है, डिवीजन, तो फर्स्ट हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, डिवीजन। डिवीजन किसके बीच में है, 20 एंड 5 के बीच में डिवीजन है, उसके नीचे अंडरलाइन भी कर लेते हैं, फर्स्ट हम इसको सॉल्व करने वाले, 20 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली 5 4 का 20 मींस आंसर मिलने वाला है 4। अब 20 डिवाइडेड बाय 5 करो तो आंसर क्या मिलने वाला है, 4। तो बाकी बचा है उसको एडिट लिख दो, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9, इसके बीच में हमने प्रोसेस कर दी, उसका आंसर लिख दिया, बाकी जो भी है वो एज इट इज, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी डू आफ्टर डी व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लीकेशन, ओके। डिवीजन कंप्लीट, इसमें डिवीजन नहीं है, अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में है, 2 एंड 3 के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके। तो 4 एज इट इज माइनस 10 एज इट इज, क्या करना है हमें, 2 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6 प्लस 9 एज इट इज, ओके। मल्टीप्लीकेशन भी ओवर, अब हमें क्या देखना है, एडिशन, ओके। एडिशन है इसमें, यस 4 भी प्लस है, 4 9 भी प्लस है, और 6 से वो माइनस है, वो नहीं देखना है, तो उसको बाद में पहले लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस की थी, डिवीजन, ओके। यहाँ पे क्या है, ये 4 भी प्लस है, 9 भी प्लस है, उसको हम पहले क्या करते हैं, साथ में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों प्लस ही है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो उसको 4 के साथ है प्लस, तो 4 प्लस 9 और 6 को पीछे लिख देते, ओके। 4 प्लस 9 माइनस 6,
सो मैंने कुछ नहीं किया है, रीअरेंजमेंट किया है कि जो प्लस है उसको मैंने साथ में लिख दिया, जो माइनस है उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर। अब हमें क्या देखना है, एडिशन है, नेक्स्ट क्या है, एडिशन। तो एडिशन में क्या है, 4 + 9, उसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 4 + 9 = 13 -6। कौन सी प्रोसेस की हमने यहाँ पे, एडिशन। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट है वो क्या बचा, सबट्रैक्शन। 13 - 6 = 7, कौन सी प्रोसेस की आपने, सबट्रैक्शन। पहले हमने डिवीजन को सोल्व किया, बाद में नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया, बाद में प्लस है उसको एक साइड में लिख लिया और माइनस को लास्ट में लिख दिया। तो क्या किया उसमें मैंने, रीअरेंजमेंट किया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सबट्रैक्शन कर दिया। यही मेथड मैंने, यही पैटर्न मैंने क्या किया है, फॉलो किया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एट मल्टीप्लाई बाई 5 + 32 / 4 -8। कौन सा रूल्स याद करने वाले हैं, डी मास। किससे करना है, डी मास से करना है। फर्स्ट व्हाट वी टू डू, फर्स्ट वी डू डिवीजन। पहले मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है। तो किसके बीच में डिवीजन की साइन है, 32 एंड 4 के बीच में डिवीजन की साइन है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, और जो भी बाकी है उसको एज इट इज रखेंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 5 एज इट इज प्लस एज इट इज। अब 32 डिवाइडेड बाई 4 करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 4 × 32, तो आंसर मिलने वाला है आपको 8। 32 डिवाइडेड बाई 4 करो तो क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा, और -8 एज इट इज। कौन सी प्रोसेस हमने की, डिवीजन। यहाँ पे हम लिख देंगे डिवीजन। डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है यस, मल्टीप्लीकेशन की साइन है। किसके बीच में है, 8 एंड 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है। तो फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे, जो बाकी है उसको एज इट इज रखेंगे। 8 × 5 = 40 + 8 = -8 = 8। इसमें कौन सी प्रोसेस की, मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन डन, नेक्स्ट एडिशन। एडिशन है यस, एडिशन है। किसके बीच में एडिशन है, 40 एंड 8 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 40 एंड 8 का एडिशन करेंगे, 40 + 8 = 48 - 8 = 8। ओके, कौन सी प्रोसेस की हमने, एडिशन। तो हम लिखेंगे एडिशन, 48 - 8 लास्ट कौन, क्या करेंगे हम, सबट्रैक्शन। 48 - 8 = 14, कौन सी प्रोसेस की हमने लास्ट में, सबट्रैक्शन। आंसर मिला हमें 14, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या मिला, 14। जी 21 + 36 - 15 / 3 प्लस बी ए माइनस बी ए डिवाइड बी ए बट सब्रैक्शन सॉरी प्लस बी ए माइनस बी ए डिविजन बी ए मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। हमें तो क्या याद रखना है, पैटर्न ही फॉलो करनी है, डी मा। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी डू डिविजन। डिविजन किसके बीच में है, 15 एंड 3 के बीच में क्या है, डिवीजन है। तो हम पहले किसको सोल्व करेंगे, 15 / 3 करेंगे, जो बाकी है उसको एज इट इज रखेंगे। तो 21 + 36 = माइनस एज इट इज 15 / 3। 15 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलने वाला है,
5, यहां पे हम लिखेंगे 5, ओके। कौन सी प्रोसेस हमने की? डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन तो है ने, उसको स्किप कर दो। कौन सा है नेक्स्ट? एडिशन। अब हमें क्या करना है? एडिशन, किसके बीच में एडिशन की साइन है? 21 एंड 36 के बीच में एडिशन की साइन है, तो इस दोनों का हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 21 प्लस 36 57, माइनस 5 एज इट इज। कौन सी प्रोसेस की हमने? एडिशन। लास्ट सब्ट्रैक्शन, 57 माइनस 5 52। कौन सी प्रोसेस की हमने लास्ट में? सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आई, 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? डिवीजन। किसके बीच में डिवीजन है? 64 एंड 16 के बीच में डिवीजन की साइन है, तो हमें क्या करना होगा? 64 डिवाइडेड बाय 16 करना होगा। तो क्या आंसर आएगा? 4। 64 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 4। वी नो 16 4 जा 64, तो यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 4। 64 डिवाइडेड बाय 16 करो तो आपको आंसर मिलने वाला है 4। रिमेनिंग एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, जो बाकी था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। कौन सी प्रोसेस की इसमें हमने? तो हम लिखेंगे डिवीजन। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है या मल्टीप्लीकेशन है किसके बीच में? 4 एंड 3 के बीच में। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? 4 एंड 3 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। 4 3 जा 12 प्लस 2, 4 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन 12 प्लस 2 एज इज। कौन सी प्रोसेस की हमने? मल्टीप्लीकेशन। Then after multiplication what we have to do? We do addition. 12 plus 2, 14. कौन सी प्रोसेस की? एडिशन। सब्ट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर 14। जब फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, ओके, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। के फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी डू डिवीजन। किसके बीच में डिवीजन है? 12 एंड 4 के बीच में डिवीजन है, तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करें। 18 एज इट इज माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 को 4 से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 3 प्लस 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज। कौन सी प्रोसेस की हमने? डिवीजन। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। किसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है? 4 एंड 4 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले हम इसको सॉल्व करने वाले। 18 एज इट इज माइनस 3 एज इट इज प्लस एज इट इज। 4 4 जा 16। कौन सी प्रोसेस की हमने? मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है? एडिशन करना है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी हैव टू डू? वी डू एडिशन। अब मुझे करना है एडिशन, तो 18 भी प्लस है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं, तो 18 क्या होगा? प्लस ही होगा। और 16 भी प्लस है, उस दोनों को हम साथ में लिख देते। 18 प्लस 16 और लास्ट में माइनस 3 एज इट इज, ओके। इसमें हमने कुछ नहीं किया, रीअरेंजमेंट ही किया, प्लस वालों को हमने साथ में लिख दिया, माइनस वालों को हमने लास्ट में लिख दिया। तब कौन सी प्रोसेस करेंगे? एडिशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद कौन सी प्रोसेस है? एडिशन के प्रोसेस। तो 18 प्लस 16 34 माइनस
थ्री कौन सी प्रोसेस की हमने, एडिशन। थर्टी फोर माइनस थ्री 31, कौन सी प्रोसेस की हमने, सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा आंसर, इसको हमने सोल्व किया तो आंसर क्या मिला, 31। एम 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 12 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 12 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, मैं प्लस 2 टाइम्स है डिवाइड 2 टाइम्स है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट हम क्या सोल्व करते हैं, जहां पर भी डिवीजन है उसको हमें सोल्व करना है, किसके बीच में डिवीजन है हम देखते हैं, 27 और 9 के बीच में डिवीजन है या 16 एंड 2 के बीच में डिवीजन है, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, पहले इसको ही सोल्व करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो 10 एज इट इज प्लस 8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 12 प्लस, हमें जिसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है उसको ही हमें सोल्व करना है, इतना याद रखना। और फर्स्ट क्या करना है, डिवीजन करना है, तो 27 और 9 के बीच में डिवीजन की साइन थी, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 27 डिवाइडेड बाय 9 करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 3, क्वेश्चन है आपका 3। माइनस एज इट इज, इस दोनों के बीच में भी डिवीजन की साइन है, इसको भी सोल्व करो, 16 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 8। डन, डिवीजन डन, अब क्या देखना है हमें, मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है किसी के बीच में, यस 8 और 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे और बाकी सब कुछ एज इट इज। 10 एज इट इज प्लस एज इट इज किसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 8 एंड 2 के बीच में, 8 टू 16 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 8। कौन से प्रोसेस से थी वो लिख देते हैं, डिवीजन, यहां पे हमने किया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन भी डन, अब मुझे देखना है एडिशन, किसके बीच में एडिशन है वो हम देखते हैं, तो 10 प्लस है 16 भी प्लस है और 3 भी प्लस है, तो उसको हम साथ में लिख लेते, 10 16 एंड 3 को साथ में और माइनस वाले को साथ में लिख देते, तो 10 प्लस 16 और 3 है उसको मैं आगे लेता और माइनस 12 एज इट इज और माइनस 8 एज इट इज, कुछ नहीं किया है, प्लस वाले टर्म्स कौन से थे, 10 प्लस था 16 प्लस था 3 प्लस था, उसको मैंने एक साथ लिख दिया, माइनस 12 एंड माइनस 8 को मैंने साथ में लिख दिया, क्या मैंने किया इस स्टेप में, मैंने रीअरेंजमेंट किया, क्या किया है, रीअरेंजमेंट, प्लस वालों को साथ में लिखा, माइनस वालों को मैंने साथ में लिख दिया। अब मुझे एडिशन करना है, नेक्स्ट क्या एडिशन है, तीनों प्लस है, तीनों का एडिशन कर दो, 10 प्लस 16 26, 26 प्लस 3 29, अब क्या है, माइनस 12 एंड माइनस 8 एज इट इज, कौन सी प्रोसेस की हमने एडिशन, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 29 और 12 माइनस 8 को हम बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले किसको कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, 29 माइनस 12, 29 माइनस 12 क्या होगा, 71 मीन 17, 29 माइनस 12 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 70 माइनस 8 एज इट इज, इसमें हमने कौन सी प्रोसेस की, सब्ट्रैक्शन, अभी भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, 17 माइनस 8 क्या होगा आंसर, 9, कौन सी प्रोसेस की, सब्ट्रैक्शन,
Done. अब हम चेक को देखते हैं, ओके? नंबर चेक. 3 complete 1 by 2 plus 2 complete 2 by 7 multiply by 14 divided by 16. 2 complete 1 by 2 divided by 2. पहले हमें क्या करना है? डिवीजन करना है. यस, हम स्टार्ट करते हैं. डिवीजन किसके बीच में? ये दोनों के बीच में डिवीजन है. यस, बाकी सब कुछ ऐसे ही. पहले तो क्या करते हैं, इसको हम किस में दिया है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 7. पहले एक भी प्रोसेस नहीं करने, पहले क्या करना है हमें? सॉरी, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो शो कर दो कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके, 14 डिवाइडेड बाय 16 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में रहने दो. मिक्स फ्रैक्शन 2 2 जा 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रख देते हैं? हम 1 रख देते हैं. नारा पर कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब पहले किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज. 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज. अब यहाँ पे कौन सी साइन है? डिवीजन की साइन. ओके, जब हम फोर्थ में हमने देखा था कि जब सेक्शन में रहता है तब हम क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में. अब ये साइन मुझे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करनी है, इसका डिवीजन तो मुझे आता नहीं है. सब आता नहीं, 52 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ऐसा डिवीजन आपको आता है? नहीं आता है. तो हम क्या करेंगे, इस साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे. किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन. इस साइन को मुझे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करनी है तो उसके बाजू वाला जो डिजिट है वो किस में कन्वर्ट होगा? उसका मुझे क्या करना होगा? इसका मुझे रेसिप्रोकल करना होगा. क्या करना होगा? रेसिप्रोकल करना होगा. 2 डिवाइडेड बाय 1 है, आप जो यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन की साइन करूँ तो 2 बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय 2. तो 5 बाय 2 एज इट इज. यहाँ पे किसकी साइन मैंने ली? मल्टीप्लीकेशन. तो इसका क्या होगा? इसके बाद जो भी नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 2 बाय 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय 2. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिरेटर में लिखना है. डिवीजन निकल गए या फिर डिवीजन कहीं पे भी नहीं. ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन. तो ये सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे प्लस है, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन में. हमने फोर्थ में देखा था जो मल्टीप्लीकेशन बीच में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कर सकते हैं. तो अब देखते हैं, देखो ये सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो 16 कर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तब हम कट कर सकते हैं, याद रखना. और 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और ये 2 कट. ओके, तो न्यूमेरेटर में क्या बचा? 5 एंड 1. तो हम क्या करेंगे? 5 वन जा, प्लीज को एज इट इज लिख देते हैं. 7 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज प्लस का प्लस एज इट इज. इसका सिंप्लीफिकेशन किया है वो हम अब लिखने वाले हैं. क्या बचा न्यूमेरेटर में? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है और साइन कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन की. तो 5 मिल जा 5, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और क्या है? ओनली 2. तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2. यहाँ पे हमें क्या करना है? फ्रैक्शन का एडिशन करना है. क्या करना है? फ्रैक्शन का एडिशन करना है. उसके लिए कौन सी कंडीशन है? कि डिनोमिनेटर हो सेम होना चाहिए. तो यस, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं. 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाय 2. 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 6. यहां पर हमने कौन सी प्रोसेस की थी? मल्टीप्लीकेशन,
इसमें हमने डिवीजन प्रोसेस नहीं की थी, लेकिन हमने डिवीजन की जगह क्या चेंज किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। ये किसमें करना है डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, जो सेक्शन वाले सम है उसमें ही आपको ये करना है, अदरवाइज तो आपको सिंपल डिवीजन ही करना है, क्योंकि इसका डिवीजन हमें नहीं आता है इसीलिए। और यहाँ पे हमने क्या कहा था, एडिशन। सबट्रैक्शन तो है ही नहीं कहीं पे भी। Question 2 is fill in the blank using plus, minus, multiply or divide. Okay? ये box दिया है, उसमें आपको क्या करना है, आपको ये sign चार दी है, उसमें से कोई भी एक sign रखनी हो रही है, condition full होनी चाहिए, answer दिया है वो आना चाहिए। अब कोई भी sign रखते हैं तो answer नहीं आने वाला है, हमें कोई भी चार साइन में से कोई भी एक साइन सिलेक्ट करके इसमें हम साइन क्या करनी है, फिल करना है, बॉक्स को हमें फिल करना है, और ये सामने वाली कंडीशन इक्वल टू के सामने है वो कंडीशन हमें फुलफिल होनी चाहिए। ओके, 3, 4, 12 में मैं क्या करूँ तो आपको आंसर 10 मिल सकता है, या मैं सबट्रैक्शन करूँ तो 3, 4, 12 माइनस 2 करूँ तो आपको 10 आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे साइन कौन सी होगी, माइनस। नेक्स्ट 21 बॉक्स में मैं क्या रखूंगा तो मुझे 21 ब्लैंक 3 + 11 इक्वल टू 18, तो मुझे क्या करना होगा, अपने डिवाइड की साइन रखू तो 21 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 7, 7 प्लस 11 क्या होगा, 18, तो इसमें कौन सी साइन आएगी, डिविजन। ओके, आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा तो आपको 1 by 1 साइन पुट करके चेक कर लो, 18 आंसर आ रहा है, तो डिवाइड की साइन रखोगे तो आपको 18 आंसर है वो मिल जाए। नेक्स्ट 27 ब्लैंक 3 - 8 इक्वल टू 1 चाहिए मुझे। ओके, तो कौन से साइन में डिवाइड रख के ट्राई करता हूँ, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 9 - 8 1, तो डिवाइड साइन है वो राइट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।